जिस तरह से लागत बढ़ती आई आपकी, सबसे पूरे देश में सबसे महंगी बिजली, बड़त के लोग आए थे अभी, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, धन्यवाद करता हूं। पिछले साल बनत गई एक मजदूर जो चार साल से हरियाणा में भट्टे में मजदूरी कर रहा था, जिसके घर में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई बिजली नहीं आ रही थी, उस एक गरीब के घर भी 1,37,000 रुपए का बिजली का बिल योगी सरकार ने, योगी जी ने खुद पहुंचाया। बताओ भरतवासियों, 1,37,000 का बिल आया था उस पर। कोई मजदूर कैसे भर देगा, कोई किसान कैसे भर देगा ऐसे बिल को? अब किसानों को डर लग रहा है क्योंकि आपके ट्यूबवेल पे भी मीटर लग रहे हैं, और किसान जो बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग कृषि कानून को लेकर है। लेकिन एक बड़ी बात है जिस पे चर्चा हम लोग नहीं कर रहे, मोदी जी चाहते हैं कि बिजली कानून 2003 को बदल दिया जाए। आज बिजली एक्ट के तहत उपभोक्ताओं की अलग अलग श्रेणियां हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, और ये जो कानून बनाना चाहते हैं कि सारी श्रेणी एक हो जाएगी। किसी भी राज्य सरकार में जो रेट का निर्धारण की जो प्रक्रिया है या जो आयोग बने हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बिजली कानून अगर ये मोदी जी जैसा बनवाना चाहते हैं, अगर बन गया, अगर हम और आप चूक जाएंगे, जिस तरह से आपने भी देखा उपचुनाव में थोड़ी सी आपने इनको चोट पहुंचाई, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के लोगों ने थोड़ी उनको चोट दी, और तुरंत जो है उन्होंने टैक्स कम करके, घटा के डीजल और पेट्रोल के भाव आपके लिए कम किए। ये वो चोट का कारण परिमाण है, वही कारण है कि उनको एहसास हो रहा है। अगर हम और आप चूक गए तो ये बिजली कानून में संशोधन भी सरकार लाएगी, एक श्रेणी में सब आ जाएंगे, और फिर दिल्ली में बैठ के अंबानी और अदानी जैसे लोग कितना बिजली का बिल आपके घर में पहुंचना चाहिए ये लोग तय करेंगे, हम और आपके हाथ में कुछ बस में रहने वाला नहीं। मैं सचेत कर रहा हूं, 14 दिन की बात मैं कह रहा हूं, 14 दिन की बात हर एक किसान जानता है कि ये हमारा हक है। आज नहीं मिल रहा 14 दिन में, 1 साल 1.5 साल पीछे मिल रहा है, तब भी कोई शिकायत किसान नहीं कर रहे कि मिल जा। लेकिन हम और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आज कानून में 14 दिन का प्रावधान है। वो 14 दिन की जब प्रावधान जब तक कानून में लिखा जाएगा, देश के न्यायालय में, लोकतंत्र में, देश की सदन में, सड़क पे हम और आप बैठ के अपना विरोध भी जता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं और हिसाब भी ले सकते हैं कि 14 दिन हो गए। लेकिन अगर हम और आप चूक जाएंगे और बाबर और औरंगजेब को गोली देकर कैराना पलायन की बकवास करके ये लोग वापिस अगर सत्ता में आ गए, तो ये 14 दिन का प्रावधान भी कानून से मिटने वाला है, ताकि हम और आप कोई भी किसान अपना हक ही ना मांग सके। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये मत सोचना। बिजली की बात 2018 से हमने कहनी शुरू कर दी थी और आज असलियत है, आज एहसास हो रहा है लोगों को, उस समय एहसास नहीं था। ये भी बात कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बनावटी बात नहीं है। नीति आयोग सिफारिश कर चुका, जो किसान की लागत पे जो फैसला लेने वाला केंद्रीय आयोग है, उसने सिफारिश पे हामी भर दी और केंद्र सरकार पे वो प्रस्ताव भेज चुके हैं कि 14 दिन को हटा दो, और किसान को गन्ने की जो मिल है, चीनी जो मिल है, उनके पूंजीपतियों की कमर टूट जाती है, वो ब्याज नहीं चुका पाते, बैंकों से लोन लेकर जो है किसान का भुगतान कर पाती है मिल। ये दलील दी है जो आपके वकील बैठे हैं दिल्ली में, ये दलील उनको मोदी जी के आगे रखी जा रही है। और अगर हम और आप चूक जाएंगे तो निश्चित तौर पे 14 दिन का आपका जो आज हक है वो हक आपसे छीन लिया जाएगा। वो कह रहे किस्तों में दो, 14 दिन की बात खत्म करो, किस्तों में दो। अगर आपने गन्ना सप्लाई कर दिया और कई किस्तों में 1 साल 2 साल 3 साल में आपको पेमेंट मिलेगा, क्या हो रहा है गुजारा? बच्चों की फीस भर पाओगे? शादी में जिस तरह से बैंड बाजे के साथ और शान के साथ, हालांकि मेरे विचार तो अलग है, मैं तो चाहता हूँ शादी में ये सब नहीं करो, मेरी खुद की बारात में 50-60 लोग थे,
तो ऐसा भी ऐसे ही चाहते सादगी से, लेकिन आपके बस में नहीं रहना। तो ऐसी जालिम सरकारें हैं, ऐसी व्यवस्था को बदलना है तो बहुत ही समझदारी से हमें और आपको आगे मिलकर चलना, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। ये सभा तो आपने बहुत अच्छी कराई है, लेकिन जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उनको भी मैं हिदायत देता हूं, वो चिंता मत करो। और जितने हमारे बैठे हैं कार्यकर्ता उनको भी मैं कहता हूं कि अपनी चाल और दुगनी तेज करो। ये हम और आपको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। लखीमपुर की घटना हुई थी, उस दिन भी रोकने की कोशिश की। मैं बरेली गया, उसके बाद उनके अंतिम अरदास पे किसानों के उन परिवारों के बीच जाना जाता था, वहां भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन रुका तो नहीं। मेरा काम रुकने का नहीं है। मैं खुले दिल से आपके वादा करता हूं, अगर इतना हुआ ना बनाओ जनता बनाया था, जनता बिगाड़ दे। जिस रास्ते पे चलकर मुझे तरक्की मिलती हो या मेरी सीट बढ़ जाए या वोट बढ़ जाए लेकिन आपका नुकसान होता हो, उस रास्ते पे मैं कभी बढ़ूंगा नहीं। अगर आपकी हानि हो रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, मुझे आपके बीच पहुंचना है और ये लोग रोकेंगे, मैं रुकूंगा नहीं। यही मेरा काम है। जब आपने मुझे पगड़ी पहनाई है चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद, जिस तरह कभी चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद हमारे बुजुर्गों ने चौधरी साहब पे विश्वास किया, जब आपने मुझे वो पगड़ी पहनाई है तो मुझे पूरी तरह एहसास है कि वो पगड़ी के मायने क्या है। बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ा विश्वास, और मैं पूरे समर्पण के साथ नतमस्तक हो गए जनता के आगे झुकता रहूंगा। लेकिन जहां आपकी लड़ाई होगी कभी आगे किसी गैर के आगे झुकने वाले काम नहीं करूंगा। हमें यूपी की फिजा बदलनी है। मैंने सपना देखा है अपने शामली क्षेत्र के नौजवानों के लिए। अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हो, इनकी बुनियाद हिलाना चाहते हो, वैसे आना तो आज ही था मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं योगी जी, उंगली वाली बात पुरानी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। केरला में कही गई थी वो केरला में आपने कर दिया था, कर दिखाया था। कल जब आएंगे योगी जी, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो बीजेपी के हर नेता से पूछना चाहते हैं, प्रदेश का नौजवान, मैं तो आपको कहता हूं, आप पूछो क्यों नहीं हो रही भर्तियां, कब होंगी भर्तियां, कब मिलेंगी नौकरी। 70 साल नौकरी दूंगा, 70 लाख नौकरी दूंगा 5 साल के अंदर, उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा। आज पूरे देश को पार दिया, 4.5 लाख नौकरी दी है, खुद कह रहे के 4.5 लाख नौकरी दी गई, 70 लाख का वादा किया। सारी सरकारी उपक्रम कंपनियों को बेचने में जुटे हैं, कहां से नौकरी मिलेगी। जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, विभाग में भर्ती नहीं होगी तो क्या करोगे, आरक्षण लेकर क्या करोगे, जो नौकरी नहीं निकलेगी। तो इसलिए मैंने नौजवानों को बहुत बड़ा सोच समझ कर वादा किया। क्या वादा है याद है आपको, बस आपके जुबान पे आ गई बात जो मेरे दिल की बात है। ये बात लोगों को लगता होगा बहुत बड़ी बात, लेकिन आप हिसाब लगा लो, प्रदेश के अगर 5 साल में हम 3% लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए, 3% ही तो है, 5 साल में 3% को भी रोजगार अगर हम लोग नहीं दे पा रहे सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो क्या फायदा लाना था ऐसी सरकार में, ऐसी सत्ता को 2 मिनट में मैं ठोकर मार दूंगा जिससे आपको फायदा नहीं है। नहीं चाहिए। और मैं तो चुनाव जीत के भी देख लिया, चुनाव हार के भी देख लिया, कोई आफत नहीं आ रही।
कोई आफत नहीं आ रही, हम वही हैं, आप वही हो। ये जरूर है कि कष्ट बढ़ गए, बोझ बढ़ गया आप पर, उस चीज का मुझे एहसास है और मुझे लगता है कुछ आपको भी एहसास हो गया। बस जो कमी रह गई हो, जो मुजफ्फरनगर वाले साथियों को मलाल हो दिल में, कोई बात नहीं। चौधरी चरण सिंह जी भी एक बार चुनाव हार गए, लेकिन वो जो मलाल है उसे दूर करना तो एक ही रास्ता है। अगर अपने बेटे पे विश्वास करते हो, मुझे एक मौका देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, 2022। मुझे भी एहसास है हम लोगों की मजबूती क्या है, हम लोगों की कमजोरियां। हमारी मजबूती है ये नौजवान, ये हल्ला बहुत करते हैं, सभा में भी आएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, झंडा लगाएंगे, आक्रामक हैं, इनकी जरूरत है। लेकिन जोश के साथ हो सीधे, हमारी कमजोरी ये भी है कि हमारे संगठन का ढांचा बहुत कमजोर है, नहीं बच रहा संगठन। हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 माह के अंदर हर गांव में कार्यकर्ताओं को मैं देखना चाहता हूं, हर गांव में प्रशिक्षित कार्यकर्ता हमारे होने चाहिए। आज ही मैं ऐलान कर रहा हूं, आने वाले समय में हर रविवार को हम अभियान छेड़ेंगे, बहुजन उदय अभियान। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूरी पे गुजारा करते हैं, उनके बीच पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, जो पूर्व विधायक हैं या जो विधायक बनना चाहते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, और आप लोग भी अगर राजी हो तो आप भी साथ जाना। हर रविवार को उनके गांव में जाना है, उनके बीच जाना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी रग पे हाथ रखना है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देनी है। संगठन में होगी भागीदारी, सत्ता में होगी हिस्सेदारी, ये बहुजन उदय अभियान का नारा है। अगले रविवार 14 तारीख में मैं उम्मीद करता हूं आप इसमें अभियान में जुड़ेंगे, और हर रविवार को समय निकालें ताकि जहां आज हमारी कमजोरी है वे कमजोरी दूर हो। ना आपके मैं पहले करंट लगाऊंगा तब टिकट दूंगा। गन्ने के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो हमने फैसला लिया, ये आखिरी पेरोही सत्र है गन्ने का, जो चल गया ये आखिरी सत्र है जब आपको कष्ट झेलने हो। आगे आपको कष्ट झेलने की कोई जरूरत नहीं, जब आपकी सरकार आ जाएगी 1.5 गुना लागत पे मूल पहले ही सत्र में घोषित करेंगे, और उसके बाद जो महंगाई का सूचकांक है आपने देखा होगा, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वेतन बढ़ाओ उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती, सरकार बढ़ा देती है। डीएनएस अलाउंस मिलता है उनको, महंगाई का भत्ता मिलता है उनको, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी जो पगार तनख्वाह बढ़ती जाती है। किसान के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, हर बार लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, मांग करनी पड़ती है, सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है, तब भी आपकी सुनवाई नहीं होगा। इसलिए सिस्टम से चलना होगा, सिस्टम बनाना होगा, व्यवस्था बनानी होगी किसान के पक्ष। इसलिए हमने कहा है कि 1.5 गुना लागत पे गन्ने का भाव पहले सत्र में, और उसके बाद उस भाव को महंगाई के सूचकांक से जोड़ दिया जाएगा। उद्योग को भी मालूम होगा, मिल मालिक को भी मालूम होगा, और किसान को पहले मालूम होगा कि हमें भाव क्या मिलने जा रहा है। कह रहे सरकारी कर्मचारी सब तंग है, मैं जानता हूं, पुलिस वाले भी बहुत तंग है, लेकिन इनकी बात भी कही हमने, बहुत बढ़िया। अब ये मुस्कुरा तो रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता इनकी नौकरी बिगड़ जाए। कोई बात नहीं, इनकी लाठी भी खाई हमने, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई इनके लिए है, सर समाज के लिए है, न्याय का राज जो राम राज के ये ढोंग करते हैं, अच्छा शासन लोगों को मिल पाए। ये धर्म को मानते नहीं, धर्म में इबादत नहीं करते, धर्मों का दिखावा करते, लेकिन मैं जानता हूं कि उन विषयों को सत्ता और शासन से दूर रखना चाहिए,
चौधरी चरण सिंह जी की यही खूबी और ताकत थी चौधरी अजीत सिंह जी के, जब जब वो जीते हैं, जब जब हमारे विधायक जीते हैं, आप हिसाब ले लो, वो जीत का एक समीकरण था। वो जीत का क्या समीकरण था वो आप जानते हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और आज आपके यहाँ पगड़ी देख के, टोपी देखकर, आपको देखकर मुस्कुराते चेहरों पर मुझे एहसास हो रहा है कि वो जीत का समीकरण आपने दोबारा एक बार बना लिया। वो हमारा भाईचारा है, भाईचारा। बीजेपी आज एक एक जाति पे सम्मेलन कर रही है, प्रजापति सम्मेलन, कभी जाट सम्मेलन नहीं कर रही। एक जाति से कुछ नहीं होने वाला, एक जाति का वर्चस्व कभी नहीं बन सकता समाज में। लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है। आप मेरी जाति से पहचान मत करो, मेरे जज्बात को पहचानने का काम, मेरी भावनाओं को समझने का काम। मैं अपने नौजवानों से खासतौर से कहना चाहता हूं, तो फिर हमारे घोषणा पत्र पे भी आप लोगों ने गौर किया होगा, मोटी मोटी बातें तो आपको पता है नौकरी की। और कोई भाई अगर पढ़ना चाहता है तो मैंने ट्विटर पे अपने एक पूरी लिंक दी है, उस पर आप अपने फोन पे ही उस चीज को पढ़ सकते हैं जो 22 के हमारे 2022 के 22 संकल्प हैं, और पूरा मैनिफेस्टो हिंदी में और इंग्लिश में। आप चाहते हैं तो फोन पे ही आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप उसको छपवा भी सकते हैं, गाँव में उसको बंटवा सकते हैं, बैठक में बैठ के लोगों को बता सकते हैं। ये प्रचार का अहम हिस्सा। और हमने शायद देश में जितने चुनाव हुए, आप विश्लेषण कर लेना, आज तक किसी भी पार्टी ने चुनाव के 4 महीने पहले घोषणा पत्र जारी नहीं किया। ये हमारी ताकत बनेगी। जब तक चुनाव आ जाएगा सबको पता लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। और आप और उसे भी मांग सकते हो, और मैं तो मानता हूं कि अगर हमने घोषणा पत्र में जैसा हमने कहा है, हो सकता है इससे ज्यादा कुछ मिल जाए। हमने कहा है कि किसानों का पुराना बिल, किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ करेंगे और अगली दर हाफ करेंगे। हो सकता है योगी जी कल आ रहे हैं, हो सकता है कल डेट पे कुछ छूट और दे दे, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दे। मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं, वो तो औरंगजेब को गाली देकर कह जाए, वो कह रहे ना पलायन पे कहेंगे, लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के। गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना जो है पैदावार करा दिया, कभी खेत में तो गए नहीं। वो तो बछड़ों के बीच घूमते हैं, खेत में तो गए नहीं। तो जैसे ये खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है, अब वक्त नहीं बच रहा, 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए। और गढ़ के मेले की, गंगा मेला की, दिवाली की, गोवर्धन की, सभी त्योहारों की, भैया दूज की आपको शुभकामनाएं। मैं इस बार मना तो नहीं पाया आपके बीच, मैं जानता हूं ये बार दिवाली भी सबके लिए ठीक ही रही, लेकिन मैं जानता हूं कि हम और आप साथ रहेंगे तो उजाला भी पहुंचेगा, तरक्की भी पहुंचेगी घर घर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।